जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेथ अकेडमी में। दोस्तों आज का हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे जो रेशियो वाले आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन कि इनमें अगला पद क्या होगा। इस रेशियो का मतलब ये है, अनुपात समानुपात की, इस जो रेशियो है इसका मतलब ये है कि इधर के पदों में जो क्रम चल रहा है इधर के पदों में भी वही क्रम चलना चाहिए। तो इसमें जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 5 130, तो 3 अगला पद क्या आएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आप एक चीज़ देखिए किस प्रकार से ये जंप कर रहा है, यानी 5 का कोई गुना का तो मैटर हो ही नहीं सकता ना, इतना गुना का ना प्लस का हो सकता, तो क्या हो रहा है, या तो वर्ग या क्यूब। तो वर्ग भी 5 का 25 होता है, तो क्यूब में एक चीज़ आप ऐड करिए, 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 125, अगर उसमें हम 5 ऐड कर देते हैं तो 130। तो यही काम अब इधर करना है, 3 का क्यूब 27 और उसमें हम 3 ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 30। ये बिल्कुल ईजी आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अब जैसे उसमें क्यूब का था इसीलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें क्या हो रहा है, 5 30 4, क्या तो 5 30, तो क्या हो रहा है, बिल्कुल या तो गुना भी कर सकते हैं, अगर गुने वाला हो जाए 5 6 30 यानी 6 से गुना, तो इधर भी हम 4 से गुना कर सकते हैं, 4 6 ये 6 से गुना कर सकते हैं 24। लेकिन अगर 24 ऑप्शन में नहीं है, अगर 24 ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर इसमें हम दूसरी चीज़ देखते हैं। वो दूसरी चीज़ क्या है, 5 का वर्ग करके अगर हम उसमें 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 30। तो इसमें भी हम क्या करें, अगर 4 का वर्ग करके उसमें 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 20। तो आपका 20 भी आंसर हो सकता है, और अगर 24 ऑप्शन में है तो 24 ही आपका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने काफ़ी देखे होंगे। यदि 2 × 6 = 6 लिखा जाए तथा 3 × 8 = 12 लिखा जाए तो 7 × 4 = क्या लिखा जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको छोटी सी चीज़ देखनी है। देखो क्या होता है, 2 × 6 = 6 कितना हो गया, 12, जबकि लिखा कितना गया, 6 यानी आधा कर दिया गया, 8 3 = 24 लिखा कितना गया, 12 यानी आधा कर दिया गया, तो 7 4 = 28 उसका आप भी आधा कर दो और 14 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, लेकिन इनको थोड़ा सा जल्दी से हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों SSC GD में। इसमें लिखा हुआ है 0 × 5 = 5 तथा 3 × 5 = 20, तो 4 × 5 = क्या होता है। अब आप 0 को देखते हो तो कुछ लोग सोचने लग जाते हैं, अरे यार 0 × 5 फिर 5 कैसे आ गया, तो ये रीजनिंग है, इसमें कुछ ना कुछ और ट्रिक जोड़ी गई। इसमें क्या क्या है, 0 × 5 कितना होता है दोस्तों, 0, उसमें प्लस 5 कर दिए तो कितना हो गए, 5 5 3 15, उसमें प्लस 5 कर दिए तो कितने हो गए, 20, तो 5 4 20, तो उसमें भी प्लस 5 कर देंगे और कितना हो जाएगा, 25। बिल्कुल ईजी, इस प्रकार से आपको सोचना है दोस्तों कि इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं, ठीक है। उसको आपने 0 देखा, आप सोचे यहाँ 0 क्यों नहीं आया, तो ये नहीं, 0 × 5 यानी 0 आया, फिर उसमें प्लस 8 5 का नियम भी चल रहा है, मल्टीप्लाई प्लस 5 8 का नियम चल रहा है इसमें, तो वही काम आपको करना है तो आपके आंसर आ जाएंगे दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3 × 4 = 144, 2 × 3 = 36, तो 2 × 2 = क्या होगा दोस्तों। देखिए इसमें क्या कहा गया, 3 × 4 = 144 यानी बढ़ रहा है इतना ज़्यादा, तो क्या हो रहा है, या तो वर्ग या क्यूब। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया, इसमें छोटे वाले को देखिए सबसे पहले ताकि इजी रहेगा, 2 × 3 = 36, तो कैसे आ सकते हैं, अगर 3 का हम वर्ग करें तो 9 और 2 का वर्ग करें तो 4, इनके वर्ग करके इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 36। इसमें भी अगर हम 3 का करें वर्ग तो 9 और 4 का वर्ग करें तो 16 16 × 9 144, तो इसी प्रकार इसमें करना है दोनों पदों का वर्ग और वर्ग का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 16 ये आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो सबसे छोटा दिया जाता है सबसे पहले उसको हल करना ताकि वो इजीली आपके समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो आसानी रहेगी आपको उसमें। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, 7 / 56 रेशियो समानुपात 8 = क्या। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है, जैसे 7 है और 56 है, तो क्या किया गया, 7 को अगले पद से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 8 = कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 56, तो 8 को भी कर दो, 8 × 9 = 8 9 = 72, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको आप देख के 1 मिनट में कर सकते हो, तो इस प्रकार से कर देना इन प्रकार के क्वेश्चन को, बस देखना थोड़ा सा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, आपने देखे होंगे जैसे अप्लाई को 5 लिखा है, रम को 3, तो ऋण को कितना लिखेंगे, इसमें क्या सीधे से जितने वर्ड है उनको काउंट करके लिख दिया 5, इसमें 3 वर्ड है 3 लिख दिया, तो इसमें 4 वर्ड है तो 4 लिख देंगे, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको भी आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ बस इन क्वेश्चन को। बॉय को ANX, तो किंग को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले देखना इसमें क्या स्कीम हुई है। देखो
बी पहले वर्ड से पहले वर्ड को पहले कंपेयर करना है, क्या हुआ देखो बी यानी उसका एक माइनस करके यहाँ लिख दिया गया, ओ उससे एक माइनस करके ये लिख दिया और वाई उससे एक माइनस करके ये लिख दिया गया, एक एक माइनस। तो आप भी किंग है के आई एन जी किंग, इसको माइनस कर दीजिए, पहले इसको माइनस करके इधर लास्ट में लिख दीजिए चाहे कोई से को भी, तो के में से एक माइनस करेंगे क्या आ जाएगा जे, आई में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा एच, एन में से एक माइनस करेंगे तो एम, और जी में से एक माइनस करेंगे तो एफ। तो ये आपका आंसर हो गया बिल्कुल दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं दोस्तों, ये इजी क्वेश्चन है, केवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके एक बार जहन में रहे कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको सहूलियत रहेगी, एक एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे दोस्तों। जय हिंद जय भारत।